नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक और बड़ी अपडेट के साथ, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था 1455 पदों पर, वो वैकेंसी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट है, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर स्टाफ नर्स की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम कैंडिडेट के लिए अपडेट है कि जो 1455 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, वो कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दी गई है। अपडेट दोस्तों निकल के आई है, उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो CHO अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं। जो अपडेट है वो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से है। विज्ञप्ति में आप लोग देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर महिला पुरुष दोनों की जो परीक्षा 2023 चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रक्रिया स्थगन सूचना, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि शरण साधन सूचित किया जाता है कि बोर्ड के द्वारा जो 29 नवंबर 2023 के माध्यम से चिकित्सा विभाग में उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी समूह गए के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष 1455 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 12 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 107 चंदर नगर देहरादून के पत्र संख्या इतना 12 दिसंबर 2023 के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भरे जाने की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, वो फॉर्म है नहीं भरा तो वो भर सकते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट डाला जाएगा उत्तराखंड की तरफ से, तो आप लोगों के साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।